अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। मयूरी देशमुख एक भारतीय मराठी अभिनेत्री है जिन्होंने कई मराठी टेलीविजन धारावाहिकों के साथ साथ फिल्मों में भी काम किए है। 3 सितंबर को धुले में जन्मी मयूरी ने साल 2011 से अभिनय के क्षेत्र में अपने औपचारिक करियर की शुरुआत की है। मयूरी देशमुख का जन्म धुले महाराष्ट्र में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों जैसे पंढरपुर, पुणे, नांदेड़, मुंबई और विशाखापट्टनम में कुछ समय के लिए किए थे। उन्होंने डीए पाटिल इंस्टीट्यूट नवी मुंबई से बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है और एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स मुंबई यूनिवर्सिटी से थिएटर आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किए। मयूरी देशमुख पिता का नाम प्रभाकर देशमुख है जो पेशे से इंजीनियर है। उनकी माँ का नाम पता नहीं है। उनके दो भाई है। उन्होंने 21 जनवरी 2016 को मराठी अभिनेता आशुतोष भाकरे के साथ शादी की है जो 29 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र के नांदेड़ में आत्महत्या किए है। उनके बच्चे नहीं है। मयूरी देशमुख 2011 से वामन केंद्र, सफात खान, विजय केंकरे, नादिरा बबर और रमेश सलवा जैसे थिएटर के दिग्गजों के साथ थिएटर में सक्रिय रूप से शामिल है। मयूरी 2014 में डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे द रियल हीरो में नाना पाटेकर के साथ दिखाई दिए। मयूरी देशमुख 2016 में अपने पहले कमर्शियल प्ले प्रेजेंट सरप्राइज में दिखाई दिए जिसे सूर्य प्रोडक्शन के साथ किया गया था। उसके बाद उन्होंने जी मराठी पर प्रसारित लोकप्रिय सीरियल कुलताकाली खुलना में मुख्य किरदार मानसी निभाए। थोड़े ही समय में उनका किरदार मानसी बड़ी लोकप्रियता हासिल कर गया। उनकी फिल्म 31 दिवस शशांक केतकर के साथ 20 जुलाई 2018 को रिलीज हुआ। हालांकि फिल्म ने मध्यम कारोबार किया लेकिन अभिनेताओं का प्रदर्शन काफी सराहा गया। 2018 मार्च डियर राजो संजय मोने के साथ मयूरी देशमुख द्वारा लिखित नाटक था। इस नाटक को व्यापक समीक्षा मिला है और पूरे महाराष्ट्र में अग्रणी मीडिया द्वारा इसे व्यापक रूप से सराहा गया है। इसे जल्दी गुजराती और कन्नड़ में भी रूपांतरित किया जाएगा। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।